Hello guys, welcome to How to Manual. If you found this video useful, don't forget to subscribe the channel. इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा PUBG मोबाइल इमुलेटर का लैग फिक्स कैसे करें। मैं एक लो एंड लैपटॉप लिया है ये वीडियो बनाने के लिए, जो कि मेरा पुराना लैपटॉप है। 4GB रैम, i3 प्रोसेसर एंड इंटेल का 2GB ग्राफिक्स है। इसमें डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। पहले मैं दिखा देता हूँ, इसमें देखो फ्रेम रेट आ रहा है 19। फ्रेम रेट देखते हैं यहाँ से 100 FPS, ऐसे 100 FPS करने से यहाँ पे फ्रेम रेट दिखाएगा, जो कि मेरा देख लो 19 आ रहा है। मैं इसको इंक्रीज़ करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अभी एक बात। इस वीडियो में मैं सिर्फ गेम लूप का एंड पबजी मोबाइल का सेटिंग्स बताऊंगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है तो सिर्फ गेम ऑप्टिमाइज़ करने से नहीं होगा, आपका पीसी को भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आप ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी गेम लूप में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, उसके बाद कॉम्पेटिबिलिटी में क्लिक करो और ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो कॉलम है यहाँ पे टिक करके अप्लाई एंड ओके कर दो। अभी सर्च करो टास्क मैनेजर, इसके अंदर आके डिटेल्स में आ जाओ और यहाँ पे ये ऐप मार्केट डॉट exe दिख रहा होगा, ये गेम लूप है। सेट प्रायोरिटी रियल टाइम कर दो, चेंज प्रायोरिटी कट कर दो। इससे क्या होगा, गेम लूप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा रन होने के टाइम में। अभी गेम लूप स्टार्ट करो, सेटिंग्स में आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, यस वर्किंग करेक्टली। अभी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, इंजन में आ जाओ, यहाँ पे आके ये शायद अनटिक रहेगा, इसको टिक कर देना और ये स्मार्ट मोड को छोड़ के ओपन जीएल प्लस कर लेना, क्योंकि ये पर देखो ये दिखा रहा है कि दिस मोड हैज़ हाई स्टेबिलिटी बट सीपीयू यूजेस इसका भी हाई है, और इसका एक्सलेंट परफॉर्मेंस है लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी कम होगा फिर भी चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस हाई चाहिए। और ये स्मार्ट मोड का काम यही होता है, ये पहले डायरेक्ट एक्स में गेम स्टार्ट करता है, उसके बाद अगर गेम लैग कर रहा होता है तो वो ओपन जेल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें ज़्यादा सीपीयू यूजेस कंज्यूम होता है, इसकी वजह से एफपीएस ड्रॉप हो जाता है ये जब प्रोसेस कन्वर्ट होता है। तो आप इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ये मेमोरी में आ जाओ और आपका जितना रैम है सिलेक्ट कर दो। मेरा 4GB रैम है, मैं सिलेक्ट कर दिया, और प्रोसेसर मेरा ऑक्टाकोर है। और ये DPI को 240 कर सकते हो, पर मेरा डिवाइस बहुत ही लो एंड है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद गेम में आ जाओ और इसको भी स्मूथ कर दो, और बैलेंस जो आपको अच्छा लगे। मेरा तो स्मूथ में चलेगा, बैलेंस में नहीं चलेगा, बहुत ही लो एंड PC है। और ऑटो का काम ये स्मार्ट मोड की तरफ ही होता है, ये भी एडजस्ट करता है। पहले ये बैलेंस में स्टार्ट करेगा, उसके बाद अगर गेम चॉपी है तो इसको कन्वर्ट करेगा, तभी बहुत लैग हो जाएगा, इसीलिए इसको मैनुअली सिलेक्ट कर दो। उसके बाद सेव कर दो, देन इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी इसको प्ले कर दो, गेम लूप स्टार्ट होते ही इसको दो बार बैक कर दो, यहाँ पे दो बार क्लिक कर दो। तो ये वाला सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना है, ये एक GFX टूल है। GFX टूल का काम यही होता है कि गेम लूप का एक पॉलिसी है कि वो पूरा रिसोर्स यूज़ नहीं करता। आपका PC में जो रिसोर्स होता है, मतलब समझ लो कि आपका PC में मेरा PC में 4GB रैम है, तो वो 4GB रैम कंज्यूम नहीं करेगा। उसके बाद मेरा शायद प्रोसेसर i3 है, उसका पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसी के वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहता है। तो इससे इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इससे आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे F9 प्रेस करो, उसके बाद ब्राउज़र ओपन कर लो,
ये तो मेरा यहीं पे ओपन हो रहा है, ये लिख के सर्च कर लो VAGT APK डाउनलोड, उसके बाद नीचे आ जाओ। ये जो थर्ड वेबसाइट आएगा, मतलब पहले गूगल प्ले, ये गूगल प्ले स्टोर में भी है तो इसमें बैन होने का कोई चांस नहीं है, गारंटी मेरी है। अभी ये जो थर्ड वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे डाउनलोड में डाउनलोड कर लो। बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 2.76 MB का। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन कर लो। ओपन होने के बाद यहाँ पे FPS में आ जाओ और 60 FPS क्लिक कर लो। 90 FPS नहीं होगा, ये सिर्फ चाइनीज़ वर्जन के लिए है, तो 60 होगा मैक्सिमम। अब ये स्मूथ ही रहने दो, रेजोल्यूशन थोड़ा सा मीडियम कर सकते हो अगर आपका हाई एंड PC हो तो। हाई एंड मतलब क्या, थोड़ा सा भी अगर ऑप्टिमाइज PC हो तो, मेरा तो बहुत ही लो है। अभी साउंड तो मेरा अल्ट्रा सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा हाई तक ही सपोर्ट करेगा, तो हाई ले लो। आप अल्ट्रा कर सकते हो, मेरा डिवाइस में अल्ट्रा साउंड कमिंग सून आ रहा है, तो नहीं हो सकता ये। अभी इसको अप्लाई कर दो, ये एक ऐड शो करेगा जो एक क्लिक में चला जाएगा। ये देखो ऐड है, इसको क्लोज कर दो यहाँ पे क्लिक करके, ये चला जाएगा। अब उसके बाद ये रन गेम ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रन गेम कर दो, गेम रन हो जाएगा। और एक बात, गेम को कभी फुल स्क्रीन में मत खेलना। फुल स्क्रीन में खेलोगे तो ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये यहाँ तक कैलकुलेट होता है, ये रेजोल्यूशन। अब फुल स्क्रीन में खेलोगे तो ये रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसमें भी गेम थोड़ा चॉपी हो जाता है। ये ठीक है ना, ये इतने में ही खेलने का कोशिश करो, जितना छोटा विंडो में खेलोगे उतना लैग कम होगा, तो इसको फुल स्क्रीन कभी मत करना। यहाँ पे गेम ओपन होने के बाद सेटिंग्स ऑन कर लो, उसके बाद ग्राफिक्स में आ जाओ और ये एंटी अलाइजिंग जो है इसको डिसेबल ही रखो, और ये ऑटो एडजस्ट जो ग्राफिक्स है इसको इनेबल कर देना। अभी फ्रेम रेट जो है इसको एक्सट्रीम कर दो। अगर कंप्यूटर, इससे क्या होता है कि कंप्यूटर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, अगर ज़्यादा भी नहीं होता, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको अल्ट्रा या फिर हाई कर दो। और ग्राफिक्स तो हमने स्मूथ सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ओके कर दो एंड ओके कर दो। आ जाओ, अभी चेक करते हैं कि फ्रेम रेट कितना आ रहा है। देखो अभी फ्रेम रेट आ रहा है 53। अगर आपका ग्राफिक्स, मतलब आपका कंप्यूटर और भी ज़्यादा थोड़ा भी अगर हाई एंड होगा ना, तो ये 60 से 70 या भी उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।